जिन्निया बड़िया बड़िया कंपनियां आ रही ने तुहानू लगता है कि बिना लॉ एंड ऑर्डर चेक किए आ जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कदे भी डिस्टर्ब स्टेट के इंडस्ट्री नहीं लाता। गवर्नर साहब पंजाबियों के जज्बातों का टेस्ट ना लो। कदे तुसी पंजाब नाल खड़े माननीय गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर हो। आजादी को संभालने लिए असी सीने तान के खड़ीए, देश का ढिड भरन लिए असी अपनी धरती भी दाते ला दीए, उपजाऊ शक्ति ते पानी नू, ताकि देश का ढिड भर सके। देश नू अन्न दे मामले च असी आत्मनिर्भर बना दीए ते तुसी सानू महीने दो महीने बाद चिट्ठी कर देंगे खुड़ते राष्ट्रपति राज ला देंगे, थोड़ी सरकार तोड़ देंगे। सब तो वध पीड़ित ना 356 का पंजाब है जी। सो इस करके तुसी साडे जख्मां ते नमक ना छिड़को। मैं माननीय गवर्नर साहब नूं कहना चाहुंदा, तुसी सीधी धमकी दे रहे हो पंजाब के डेमोक्रेटिक लोगों नूं कि तुहाडी सरकार नूं असीं की समझदे हां, सिर्फ जे मेरियां चिट्ठियां दे जवाब ना दित्ते सरकार टुट जाऊगी। मतलब आ कारण है जी, इह कारण हो सकदा। फिर उन्होंने लिखा कि तुसी मैनूं ऐ कहता भी मैं नागपुर दा, वही नागपुर दे चिट्ठियां दे विच जिन्नियां भी चिट्ठियां मैं पढ़ियां ने उहदे विच ना इक झलक मिलती है पावर हंगर की। उन्होंने ना सत्ता की भुख कितने कितने हैगी है। मैं बीसी लाए, इन्ने वधिया इमानदार डॉक्टर लिया लभ के, ना जी मैं अपने लाऊंगा कैंसर है जी। मैं कोई ऑर्डर करना कि आहार रखना, ना जी मैं अपना रखूंगा कैंसर। आ फलानी जी मैं कुछ नहीं करते। बजट के सैशन की इजाजत देती देनी बनती है। अगले दिन फोन आ गया, इजाजत कैंसल, मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पे। ये संविधान की रक्षा कर रहे हो? फिर सारे चिट्ठिया जवाब दूंगा, पर इस तरह कहना कि जे तू ऐना किया तो मैं सरकार तोड़ दूंगा, मैं सोचूंगा फिर मैं की करना, यह गैर संविधानिक गल ने। आम मिट्टी चो निकले हुए लोग हाँ, ना कदे कुर्सी की भुख सी, ना ही कदे बचाने वास्ते समझौता करा ले। कितने तो थानू यह लगता होगा कि भगवंत मान ने जो चिट्ठ करती फिर वो कहूगा यार कितने मुख्यमंत्री के आदि तो ले जा, मैं कंप्रोमाइज करा लो। पंजाब के हकों वास्ते कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है, अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है, पर समुद्र के जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखने का मुल तार रहे हैं गवर्नर साहब, बेशर्मा का तो नीवी पा के भी सर जाता है। जिन्हें भी हुणे कहिंदे आ कि लॉ एंड ऑर्डर, देखो लॉ एंड ऑर्डर नाल संबंधित कल्ला ए नहीं हुंदा कि पुलिस बंदे किन्ने फड़ दिए जाए। लॉ एंड ऑर्डर च ही सारा कुछ आउंदा कि माहौल कहो जिहा है। 50,872 करोड़ रुपए दा साडी सरकार वेले तो बाद 16 मार्च तो बाद 50,872 करोड़ रुपए की इनवेस्टमेंट इत्थे आ गई जी। पंजाब च 3420 प्रोजेक्ट आ गए जी पंजाब च, जिदे च टाटा स्टील सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, सनाथन पॉलीकॉट प्राइवेट लिमिटेड, नाभा पावर लिमिटेड, नैस्ले वो बधा रहे ने अगला। जिन्निया बड़िया बड़िया कंपनियां आ रही ने तुहानू लगता है कि बिना लॉ एंड ऑर्डर चेक किए आ जाते हैं। पिछे जे परसों ही एक कंपनी है, उन्हें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करनी है राजपुरा को, पैकिंग की कंपनी है। असं उन्होंने क्या कि जी लॉ एंड ऑर्डर और सारा कुछ थानू पंजाब चाहो असी प्रोवाइड करावे, सब कुछ थानू कोई थानू दफ्तर धक्के खाने की जोड़ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है सारा, साढ़े पंजाब के लोग मेहनती लोग ने जी, तो बरकत होगी। वह कहते जी असी लॉ एंड ऑर्डर सारा चेक करके आए हैं, ताइयो फैसला किया 100 करोड़ लाने का। इंडस्ट्रियलिस्ट कदे भी डिस्टर्ब स्टेट के इंडस्ट्री नहीं लाता। वो कहो मेरा की पता कदों इतने सरकार बदल जाए, की पता कदों इतने हल्ले पै जाए, की पता कदों इतने दंगे हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा सबूत है 50,872 करोड़ रुपया जिहड़ा इतने आया है साडी सरकार वाले। एक होर अंकड़ा है जिहड़ा कि राज्यसभा च सेंटर गवर्नमेंट ने दिता, राज्यसभा के मिनिस्टर ने कहा, आलो जी पंजाब टॉप्स एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इन नॉर्थ, राज्यसभा टोल्ड
270,000 यूनिट, 270,000 यूनिट की रजिस्ट्रेशन हुई है पंजाब च। नॉर्थ इंडिया नूं टॉप कीता जी। एमएसएमई छोटे जिहड़े व्यापारी छोटा व्यापार जिहड़ा ये दस्या कि मिनिस्टर ने राज्यसभा दे विच जवाब दे दौरान दस्या कि बिना लॉ एंड ऑर्डर तो आ जाएंगे जी। ये गल्लां किहड़ियां करदे ने गवर्नर साहब? पंजाबियां दे जज्बातां दा टेस्ट ना लो। आजादी असी लैके देईए देश नूं, आजादी नूं संभालण लई असी सीने तान के खड़ीए, देश दा ढिड भरन लई असी अपनी धरती नूं भी दाते ला दीए, उपजाऊ शक्ति नूं ते पाणी नूं, ताकि देश दा ढिड भर सके, देश नूं अन्न दे मामले च असी आत्म निर्भर बना दीए। ते तुसीं सानूं महीने दो महीने बाद चिट्ठी कर दिंदे हो, थोड़े राष्ट्रपति राज ला देंगे, थोड़ी सरकार तोड़ देंगे। सब तो वध पीड़ित ना 356 दा पंजाब है जी। सो इस करके तुसी साडे जख्मां ते नमक ना छिड़को। मैं माननीय गवर्नर साहब नूं कहना चाहुंदा, तुसी सीधी धमकी दे रहे हो पंजाब दे डेमोक्रेटिक लोगों नूं कि तुहाडी सरकार नूं असीं की समझदे हां, असीं तां जे मेरियां चिट्ठियां दे जवाब ना दित्ते सरकार टुट जाऊगी। मतलब आ कारण है जी, इह कारण हो सकदा उह सूबा जिहड़ा देश जिहड़ा फूटबॉल है, जिहड़ा आजादी लैण च सब तो वध कुर्बानियां देण वाला है, जिहड़ा आजादी तो बाद भी सीना तान के खड़ा बार्डरां ते। सो साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी स्टेट है, डबल ट्रिपल लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बॉर्डर स्टेट है, उन्हां नाल दुश्मन नाल भी लड़ाई, साडे नाल लगदे ने उन्हां दे बॉर्डर, उत्थों ड्रोन आउंदे ने, उत्थों ड्रोनां च पिस्तौल भी आउण लग गए हुण तां। ते मतलब असीं उह डबल लड़ाई लड़ रहे हैं देश की, असीं देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जे इत्थों किते उह लंघ गए ना, जे दीनानगर आए थे, जे पठानकोट आए थे, असी उत्थे काबू कर ले। जे वो इत्थों एक बार अगे लंघ गए फिर वो हमला किते करनगे? देश ते करनगे। सो इस तां देश कौम दे राखे आ, ते तुसीं सानूं धमकियां दिंदे हो कि थोड़े ते राष्ट्रपति राज ला देंगे, ये कित्थों आउंदी है थोनू हुक्म? फिर उही गल होगी फिर भी आम बंदियां नूं, ये नहीं चाहुंदे होणे शायद भी ये कित्थों आ गए जिहड़े आम आम लोग चुण के आ गए। सो मैं अज मुख्यमंत्री दे तौर ते नहीं, मैं एक आम बंदे दे तौर ते बोल रहा, और 3.5 करोड़ वो लोग जिन्हां ने सानू चुन के भेजे, मैं उन्हां दे जज्बातां दी प्रतिनिधता करदा। मैं कि गवर्नर साहब तुसीं पंजाबियां दे जज्बातां दा, पंजाबियां दे सबर दा इम्तिहान ना लो। फिर उन्होंने लिखा कहिंदे तुसीं मैनूं ऐ कहता भी मैं नागपुर दा, तो है ही नागपुर दे, कित्थों दा कहां फिर मैं? ये लिखा उन्होंने लैटर दे, तुसीं पढ़िया होना ये च की कहण दा हर्ज जी नागपुर तों। मैं दूजे पासे तो नहीं कहा भी नागपुर के उधरले पासे हो, वे अपने आप ही कही है ना, तुसी मैनूं तुसी नागपुर का कहने। हां चिट्ठियां दे विच जिन्नियां भी चिट्ठियां मैं पढ़ियां ने उहदे विच ना एक झलक मिलती है पावर हंगर की, मतलब उन्होंने ना सत्ता की भुख कितने ना कितने हैगी है, क्योंकि हार हूर गए उधरों तो हुण गल बनती नहीं, पर ऑर्डर देण की भुख है। मैं बीसी लाए, इन्ने वधिया इमानदार डॉक्टर लिया लभ के ना जी, मैं अपने लाऊंगा कैंसर है जी। मैं कोई ऑर्डर करना कि आहार रखना ना जी, मैं अपना रखूंगा कैंसर। आ फलानी जी मैनू कुछ के नहीं करते, बजट दे सैशन की इजाजत देती देनी बनती है। अगले दिन फोन आ गया इजाजत कैंसर, मैनू सुप्रीम कोर्ट जाना पिया। ये तुम संविधान की रक्षा कर रहे हो, फिर उही 356 दस रहे हो ना, बाबा अंबेडकर जी का लिखा संविधान। जे उस 356 तो आ भी है ना कि बजट सैशन वास्ते राज्यपाल परमिशन देनी बनती है, सुप्रीम कोर्ट को तो भी मैं संविधान के रूप च लेके आया, कोई धमकी तो नहीं दवाई थोनू? सो पावर हंगर जी है ना वो झलकती है कितने ना कितने। मैं इन्हों एक मैं तो छोटा बहुत, मेरे तो बड़े ने, मैं तो जो भी मिलते मैं गोडे छूना पैर छूना, मैं उन्होंने भी तुम एक काम करो, वैसे बेसिकली राजस्थान में बिलोंग कर रहे परिवार बहुत चिर पहले नागपुर चले गए थे, जो हम तुम नागपुर के नाम मैं एक होर ऐड कर देना, राजस्थान च आ रही इलेक्शन नवंबर, तुसी मुख्यमंत्री का चेहरा बन के बीजेपी वालों पावर ले लो, इस कड़ी गल ऑर्डर देने लग जाओगे तुसी। सो मैं तो थोनू दस रहा, मैं की पता कई बार छोटिया दी गल्लां च भी कुछ ना कुछ निकल आउंदा, चिट्ठियां लिख लिख के
मतलब मैनू ऑर्डर देने ने, मैं जवाब दऊंगा सारी चिट्ठिया के, पर यह जी पावर हंगर वाली चिट्ठिया ने कृपा करके उसके वास्ते तो फिर तुम राजस्थान के है बेसिकली, तो फिर उतों इलेक्शन लड़के तो मुख्यमंत्री का चेहरा बन के पावर ले लो, देश में लोड़ है तजर्बेकार सियासतदान की बहुत लोड़ है। हाँ नाले पता लग जूगा कि पब्लिक लोग जिहड़े ने डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो किनू प्यार करदे। असी तो अपना एजेंडा लोगों सामने रखिया, बाकी पार्टियां ने रखिया, लोगों ने साडे एजेंडे नू चंगा मनिया, असी कर रहे हां। पंजाब दे विच असी बिजली फ्री करती, पंजाब दे विच असी एम एल ए दीआं पेंशनां जिहड़ियां ने वो एक पेंशन करती, पंजाब दे विच असी 31,610 नौकरियां देतीआं सरकारी, पंजाब दे विच असी जिहड़ा किसानां लई दिन रात लगे हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसा कानून बने जिद किसानों की जरा मजबूरी का धंधा की बजाय लाहेवंद धंधा बने। गन्ने का सारा पैसा पंजाब शुगर फैड ने वाप जोड़ा उन्होंने मोड़ता पहली बार होया है, ठीक है ना। बिजली बोर्ड जोड़ा सबसिडी सारे पैसे असं वापस देते। कोई सरकार जी है गवर्नर साहब ये पूछ लैन मैनू अगली चिट्ठी कि फाइनैंसिस के किमें कर दो, असी कदम खजाना खाली नहीं किया, पर असी रेवन्यू भी साढ़ा आ रहा है, साडे रेवन्यू की कोई कमी नहीं। असी 12,000 तो उपर टीचर जिहड़े ने पक्के किए ने, उन्होंने तनखाहां तिगणियां तिगणियां करतीआं। सो असी तां दिन रात इसी काम ते लगे हुए हैं। हुण पंजाब एक पास्सा जूझ रहा है हड़ां नाल, उहदा भी मुआवजा देना है। जो जो साडे कोले जिहड़ियां गिरदावरियां दी रिपोर्टां आई जाणगीआं पैसे देवांगे और बणदे पैसे देवांगे। असी बाकी पार्टियां वांग 11 रुपयां दे जां 51 रुपयां दे जां 72 रुपयां दे चैक नहीं कटांगे, बनता जिन्ना मुआवजा बनता है। बल्कि सेंटर नूं असी लिखिया, इस भी राजपाल साहब नूं साडी हैल्प करनी चाहिए है। असी सेंटर नूं लिखिया कि जिहड़ा स्टेट डिजास्टर SDRF का पैसा है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उहदे च 9600 करोड़ रुपया पिया है, पर उहदे नॉर्म्स सख्त ने, वह नॉर्म्स रिलैक्स कर दो, असीं सारे पैसे कढ के लोगों नूं वंड देंगे। इस काम वास्ते कदे चिट्ठी लिखी नहीं कि आपां इह नॉर्म्स वास्ते कहीं चलीए उत्थे कदे ना। सो इस करके 92 चिट्ठियां आ रही ने, कोई गल नहीं, फिर भी मैं जवाब दूंगा, सारे चिट्ठिया जवाब दूंगा। पर इस तरह कहना कि जे तू ऐना कीता तां मैं सरकार तोड़ दूंगा, मैं सोचूंगा फिर मैं की करना, यह गैर संवैधानिक गल्लां ने। यह पूरे देश दे विच इस तरह हो रहा है, कितने बंगाल च हो रहा है, दिल्ली च देख लो किहड़ा ऑर्डिनेंस लैके आए ने कि सुप्रीम कोर्ट के 5-0 नाल वर्डिक्ट नूं इन्हां ने पार्लीमेंट के ऑर्डिनेंस लिया के खत्म करता, तो हूँ फिर जवाब मंगया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तो। बंगाल आले तंग ने, केरला आले तंग ने, तमिलनाडु आले तंग ने, तेलंगाना आले तंग ने। सो इस करके मैं कहना कि बाकी बीजेपी आले राज्यां दे तां राजपालां दे नाम भी नहीं जानते, यह सिर्फ तो सिर्फ उही बीजेपी का एजेंडा है। जे आप नहीं जितते लोगों के खरीदो, जे इन्ने भी नहीं है अपने कि लोगों के खरीद के गल नहीं बनती, फिर इधरों ऑर्डिनेंस ले आओ, शक्तियां खोलो। जे शक्तियां खो भी नहीं सकते, फुल स्टेट है, फिर इधरों करवा लो ऑर्डर, चिट्ठियां कढ़ा लो, क्यों ना थोनू ही सस्पेंड कर दिए, क्यों ना थोनू ही तोड़ दिए। सो आम मिट्टी चो निकले हुए लोग हाँ, ना कदे कुर्सी की भुख सी, ना ही कदे बचाउण वास्ते समझौता करांगे। कितने तो तुहानू इह लगदा होगा कि भगवंत मान ने जो चिट्ठी करती फिर वह कहूगा यार कितने मैं मुख्यमंत्री दे आउदे तो लै जा, मैं कंप्रोमाइज करा लो। पंजाब के हकों वास्ते कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है, अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है, पर समुद्र के विच जाके वह मर जाता है। गर्दन सीधी रखने का मुल तार रहे हाँ गवर्नर साहब, बेशर्मा का तो नीवी पा के भी सर जाता है। असी पंजाब की गर्दन कदे भी थले नहीं होने देनी, असी पंजाब का माण, पंजाब का प्राउड जिहड़ा, पंजाब का जिहड़ा विरसा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 16 ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੋਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਧਮਕੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ 356 356 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ